हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे प्लेन खुशका पुलाव। तेजपत्ता हम इसमें ऐड करेंगे, दालचीनी, हरी इलायची, इलायची और लौंग मैं डाल रही हूँ। साथ ही डालेंगे हम कबाब चीनी थोड़ा, और इसी पानी में हम ऐड करेंगे नमक। ये मैंने बासमती राइस धो के भिगो करके रखा था, 1.5 kg राइस मैंने लिया है। ये राइस हम डालेंगे इसमें, पानी बॉईल होने के बाद ही हम डालते हैं। इसे हम ढक देंगे। तो दोस्तों, चावल हो चुकी है बिल्कुल अच्छी तरह, ये देखिए खिली खिली सी। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसमें हम निकालते हैं, दोस्तों मैंने इसमें नींबू नहीं दिया है पानी में। आप चाहे तो बॉईल होने के वक्त, जब चावल आधी बन जाए उस वक्त आप नींबू का रस दे सकते हैं। इतना चावल हमने निकाल लिया है दोस्तों। डालेंगे हम देसी घी। दो चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है दोस्तों, ये ज़्यादा जल ना जाए। डालेंगे हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, लगभग 1/2 कटोरी मैंने इसमें ऑयल दिया है, और 2 चम्मच मैंने घी दिया है खुशबू के लिए। तो ये दोस्तों, ये हो चुकी है गर्म, हम फ्लेम ऑफ करते हैं, थोड़ा ठंडा करेंगे। दोस्तों, कढ़ाई में हमने घी और ऑयल को गर्म किया था मिलाकर। थोड़ा सा हम बिरयानी का मसाला डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है, मसाले जल ना जाए, इसीलिए हमें थोड़ा सा इसे ठंडा करना है। राइस भी रेडी है यहाँ पे, तो ये ऑयल हमें इसमें डालना है। घी और ऑयल जो हमने मिलाया है मसाले के साथ, ये हमें इसे चारों ओर छिड़कना है। इसे इसी तरह मिक्स करेंगे। जो हमने अलग से राइस निकाला था वो भी हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। फिर से इसे मिक्स करना है। इस तरह हमारे चावल नहीं टूटेंगे। जो बची हुई राइस है वो भी डालेंगे इसमें। देंगे ये फ्राइड अनियन, बरिस्ता करके रखा था मैंने। दूध लिया है मैंने यहाँ पे दोस्तों, इसमें मैंने 1 चम्मच दिया है शुगर। आप शुगर ऑप्शनल है, नहीं देना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। दूध में मैंने मिलाया है मीठा अतर 4 से 5 बूंद, और रोज़ वाटर, रोज़ एसेंस भी दे सकते हैं आप। मैंने रोज़ एसेंस दिया है, रोज़ वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे केवड़ा एसेंस भी दिया है, तो केवड़ा एसेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून मिलाया है, रोज़ वाटर एंड केवड़ा। इसे हम मिक्स करके इसमें छिड़केंगे अच्छी तरह। तो मिल्क को हम इसी तरह से फैला करके छिड़केंगे। डाल रही हूँ फूड कलर मिल्क में। सकते हैं दोस्तों, अगर आपको डार्क या लाइट पसंद है, जिस तरह से भी, मैंने यहाँ पे थोड़ा लाइट किया है। तो ये हो चुकी है हमारी कंप्लीट खुशका पुलाव की पूरी रेसिपी। अब हमें सिर्फ लगाना है इसे दम में। किचन की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास ये आयरन तवा है। आयरन तवा मैंने फ्लेम पे ऑन करके यहाँ पे रख दिया है, तेज़ करके फ्लेम को। ये गर्म होगी। खुशका पुलाव में हमें दम लगाना है, इसे हम बीच में अच्छी तरह रख देंगे, और फ्लेम हमें 20 मिनट्स हमें दम लगाना है।
तो 10 मिनट्स हम तेज़ रखेंगे और 10 मिनट्स हम स्लो फ्लेम में रखेंगे। टोटल हमारे पास 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स के लिए ये दम लगाएंगे हम। मैं पानी दे रही हूँ। तो दोस्तों हमारी खुशका पुलाव कंप्लीट हो चुकी है बनकर। आप भी मेरी तरह इसे ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट्स में लिख भेजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।